कैसी लग रही हूँ? ये टी शर्ट मेरा देख सकते हैं आप लोग, 100 रुपये का है, मैंने लिया है 100 रुपये का। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये टी शर्ट ना मैचिंग हो गया है यार। मैं पहनी थी, एक लड़का पहन के आ गया मेरे गांव का है, और हम दोनों का टी शर्ट सेम है। तो अब बताइए, ये लड़की का टी शर्ट है या लड़के का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और डीजे आ गए हैं, गाना बज रहा है बिल्कुल, आप लोगों को थोड़ा सिलाई दे रहा होगा। हम जा रहे हैं और आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को दिखा। बर्थडे का पूरा डेकोरेशन हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, मतलब डेकोरेशन का कैसा मतलब लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने अभी काफी लोग नहीं आए थे और केक करने में टाइम था, तो और मैंने देख सकते हैं सिंपल सा एक टी शर्ट चेंज किया है और जीन्स वही है मेरा। मैं साड़ी पहनने वाली थी बट साड़ी मिली नहीं किसी की, इसलिए मैंने टी शर्ट पहन लिया। और फिर से मैंने डांस करते टाइम पे ब्लैक टी शर्ट पहन ली क्योंकि उसमें मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा था, इसमें अनकम्फर्टेबल लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने थोड़ा सा वैसे वीडियो बनाया। फिर डांस करने के बाद हमारी हालत आप लोग देख सकते हैं कितना बेकार हो गया था, और केक कटने वाला था, केक कटते टाइम पे हमारी ऐसी हालत थी। तो गाइस केक काटने के लिए चाकू नहीं मिल रहा है, और अभी आप लोग देखना केक कैसे काटे किस चीज से। आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि केक कटेगा और मतलब केक चाकू से, देखना आप लोग किस से काटते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस अभी केक कटिंग होने जा रहा है, सबकी आशा हो खुशियां हमारी।
आप भीड़ करती हैं, मुझे भीड़ नहीं बना रहे दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी एक भाई साहब अपने बहुत ही स्मार्ट सा दिमाग यूज करेंगे और अपने फोन से ही केक कटवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखना, कितना मस्त मतलब केक कटेगा। और क्या आप लोगों ने कभी फोन से केक कट किया है? नहीं किया होगा तो देखो और आप लोग भी ऐसा करो। ये जो तो भाई साहब दिख रहे हैं हल्का येलो या ऑरेंज में, उनका हमारा बहुत ही जबरदस्त वाला झगड़ा हुआ है। तो मैं मतलब मेरा मन कर रही हूँ मैं मर्डर कर दूँ, अगर आज आप उनका एक फूल अलाव होता तो मैं फूल कर दूँगा। चलो पहले केक कटिंग फिर बताएंगे। मैंने रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में एक भी बलून फोड़ा नहीं और सब हो गया, केक कटिंग वटिंग हो गया, नाश्ता वास्ता हो गया और अभी खाना खा रहे हैं सब लोग। इतना ज़्यादा डांस करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया था। ऑफकोर्स भूख लगेगा ही, आप लोग भी डांस करेंगे तो भूख लगेगा। तो मैंने किसी का वेट नहीं किया, मैंने फटाफट से लेके खाना अपना, आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना सारा खाना खा लिया। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा आप लोग बर्थडे बॉय को देख लिया। तो गाइस ये रहा बर्थडे बॉय, आप लोग देख सकते हैं इसे जोकर बना के छोड़ दिए।